नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं जरूरी नहीं कि हर समय लबों पे खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर समय लबों पे खुदा का नाम आए, वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी के काम आए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को अभी 4 महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है, हलचल काफी बढ़ गई है। आपको बता दूं कि कल यानी 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक जनसभा होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और इस जनसभा में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे देश के गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, और उनकी मौजूदगी में यहाँ कई दलों के नेता यहां शामिल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ सकते हैं, जिनमें शुभेंदु अधिकारी का नाम पहले नंबर पर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी इस जनसभा का हिस्सा होंगे और वह अपने समर्थकों के साथ इस जनसभा के दौरान भाजपा का झंडा पकड़ेंगे। और हमारे पास खबर आ रही है कि लेफ्ट के 2 विधायक भी इस जनसभा में भाजपा का दामन थामेंगे, जिनमें तापसी मंडल का नाम आ रहा है। आप स्क्रीन पर उनकी तस्वीर देख सकते हैं। तापसी मंडल हल्दिया की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से विधायिका है और उनके भी शामिल होने की चर्चा काफी तेज है। और बिल्कुल हमारे पास सूत्र के माध्यम से जो खबर आ रही है, तापसी मंडल कल भाजपा का दामन थाम रही है। और भी कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम सामने नहीं आ रहे हैं, कल ही पता चल पाएगा कि किन नेताओं ने भाजपा का दामन पकड़ लिया। और भाजपा की तरफ से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे नेता हैं जो कल अमित शाह की रैली में भाजपा का दामन थामेंगे, भाजपा का झंडा थामेंगे। और आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं रानीगंज। रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज के टीडीबी कॉलेज के छात्रों की तरफ से हमारे पास लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको बता दूं कि रानीगंज टीडीबी कॉलेज के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, जो आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासक भी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया सभी पदों से। और उनके इस्तीफा देने के बाद यहाँ के छात्रों में काफ़ी नाराजगी है उन्हें लेकर, और उनके तस्वीर पर यहाँ जो है छात्र संगठन के कार्यालय में जो तस्वीर लगी थी जितेंद्र तिवारी की, और उनकी तस्वीर पर कालिक भी पोता गया। लेकिन इससे पहले जिस दिन इस्तीफा दिया था जितेंद्र तिवारी ने टीडीबी कॉलेज के अध्यक्ष पद से, उसके बाद यहां के छात्रों में काफी मायूसी थी। उन्होंने ये कहा था कि जितेंद्र तिवारी के कार्यकाल में काफी विकास के काम हुए हैं, और हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले वो तस्वीरें, वो दृश्य के उनके इस्तीफा देने के बाद, जिस दिन उन्होंने टीडीबी कॉलेज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था जितेंद्र तिवारी ने, उसके बाद छात्रों में मायूसी तो थी लेकिन उत्साह भी था, और वो चाह रहे थे कि एक बार फिर से जितेंद्र तिवारी को अध्यक्ष का पद दिया जाए और उनका इस्तीफा वापस लिया जाए। आइए देखते हैं कि उस दिन का क्या माहौल था। सकाल जखन उठी तो सोशल मीडिया से एक लेटर चले, जे लेटर टाते लिखा आछे कि आमी जितेंद्र कुमार तिवारी टीडीबी कॉलेज जीबी प्रेसिडेंट थी आज के रेजिगनेशन दिलाम आमार पॉलिटिकल चापे जन्य। तो आमरा टीडीबी कॉलेज स्टूडेंट यूनियन एवं टीडीबी कॉलेज समस्त छात्र छात्रीरा आमरा चाई के आमादेर दादा, आमादेर प्रिय दादा जितेंद्र कुमार तिवारी उन्हीं जीबी प्रेसिडेंट थाकुक, एवं सीएम एर काछे अनुरोध करब कि जेनो उनार रेजिगनेशन लेटर एक्सेप्ट ना होक, केनो कि उनार आमले जे टीडीबी कॉलेज उन्नति देखेछे এর আগে কোনো দিন হয়নি। উনার থাকাকালীনে আমাদের 6টা PG, 2টা বিল্ডিং, ন্যাক থেকে শুরু করে সব কিছু হয়েছে। আমরা চাই উনি জিবি প্রেসিডেন্ট থাকুক। अभी हमने आपको दिखाया कि उस दिन जब जितेंद्र तिवारी ने टीडीबी कॉलेज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था उस दिन का क्या नज़ारा था, लेकिन अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अब का क्या नज़ारा है, अब की क्या प्रतिक्रिया है यहाँ के छात्रों में। यहाँ के छात्रों में अब काफ़ी नाराजगी है क्योंकि जितेंद्र तिवारी ने टीडीबी कॉलेज के अध्यक्ष पद से ही नहीं बल्कि पार्टी से और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासक पद से भी इस्तीफा दे दिया है, और ये अटकलें काफ़ी तेज़ हैं कि वह कल भाजपा का झंडा पकड़ेंगे। इसे लेकर छात्रों में काफी नाराजगी है और यहां के छात्रों ने आज उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया और उनके तस्वीर पर कालिक भी पोत दी। यहां जो तस्वीर रखी हुई है छात्र संगठन के कार्यालय में, जो तस्वीर लगी हुई है जितेंद्र तिवारी की, उनकी तस्वीर पर आज कालिक पोता गया। यहां छात्र संगठन के नेता रेहान और सौमित्र की तरफ से यहां कालिक पोत दिया गया, और संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में इन्होंने कहा कि जितेंद्र तिवारी जब तक पार्टी में थे
वो उनकी इज्जत करते थे, लेकिन अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं, इसीलिए जितेंद्र तिवारी की अब वो कोई इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने विरोधी पार्टी का दामन पकड़ने का फैसला किया है। তার আগের দিন অবধি যেদিন আমরা মিছিল করেছিলাম সেদিন উনি আমাদের জিবি প্রেসিডেন্ট থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন, তখন অবধি উনি কিন্তু আমাদের দলেই ছিলেন, মমতা ব্যানার্জির সৈনিক ছিলেন, তাই আমরা উনার জন্যে আমরা মিছিল করেছিলাম। কালকে উনি দল ছেড়েছেন, যে দলের নেই সে আমাদেরও নয়, যে মমতা ব্যানার্জির সৈনিক নয় সে আমাদেরও সৈনিক নয়, সে আমাদেরও নেতা হতে পারে না, তাই আমাদের দলের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা কাজ করেছি। কী নাম তোমার? আমার নাম রেহান সাকিব। তুমি কী পোস্টে আছো? রানীগঞ্জ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ব্লক প্রেসিডেন্ট এবং টিডিপি কলেজে ছাত্র সংসদ মেম্বার। हिंदुस्तान में ठगों की फेरिस्त काफ़ी लंबी है। आपको बता दूं कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का नाम आता है एक ऐसे ठग के तौर पर जिन्होंने राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को बेच डालने का बीड़ा उठा लिया था, और ये काफ़ी चर्चा हुई थी इस बात की। और इसके बाद इसी तरह का एक और मामला सामने आ रहा है, किसी ठग ने वाराणसी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय कार्यालय है उसे भी OLX पर डाल दिया है, और उसकी कीमत तक दी है, उसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और OLX पर इसे डाल दिया गया है, और कहा गया है कि अगर आप खरीदने के इच्छुक हैं तो आप इस कार्यालय को खरीद सकते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के विधायक नरेंद्र मोदी का कार्यालय है, इस तरह की बात सामने आ रही है। OLX पर साफ साफ तौर पर इस तरह की बातें लिखी गई हैं और तस्वीर तक डाल दी गई है संसदीय कार्यालय की। और इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं बंगाल। बंगाल से हमारे पास एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है, क्योंकि बंगाल में अवैध कोयला उत्खनन की वजह से भूधसान की घटनाएं लगातार घटती रही हैं। एक और भूधसान की घटना सामने आ रही है। रानीगंज से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने खबर भेजी है कि रानीगंज में भूधसान की एक घटना हुई है जिसकी वजह से काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। एक बार फिर से लोग, आसपास के लोग काफ़ी दहशत में आ गए हैं। आप देखिए इन दृश्यों में कि किस तरह से यहाँ पर धसान की घटना हुई है, और धसान की वजह से आसपास रहने वाले लोग काफ़ी दहशत में हैं, काफ़ी भय में हैं। इससे पहले भी कई बार यहाँ भूधसान की घटना हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से भूधसान की घटना ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। और इस संदर्भ में एक स्थानीय वाशिंदे से हमारे संवाददाता ने बात की, और इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लखन घुरुई से भी बात की। उन्होंने साफ साफ ये कहा, सत्तासीन पार्टी पर यह आरोप लगाया कि उनकी वजह से यहाँ अवैध कोयला उत्खनन का काम काफी जोर शोर से चला, जिसकी वजह से जमीनें खाली हो गई और भूधसान की घटनाएं লগাতার ঘটতে রই রয়েছে। আমরা বহুত কষ্টের মধ্যে জায়গা কিনেছিলাম, সেই সব জমির মধ্যে এখন আমরা ভয়ে ভয়ে বাস করছি, কিছু করতে উপায় তো নেই, কিন্তু রাজ্য সরকার এর জন্য কোনো কিছু করেনি। আমাদের লোকাল থানার পুলিশ আমরা অনেক অবজেকশন করেছি, তারাও কোনো কিছু করেনি। সিআই সাহেব আসেন, প্রতিদিন আসেন আর ঘুরে ঘুরে চলে যান, ওনাদের টাকা খাবার কাজে ওনারা টাকা পয়সা খায়, ওনারা নিয়ে পরে আবার নিজের পকেট ভরে চলে যায়। কিন্তু আমরা বেঁচে থাকার জন্য, এই জীবনটাকে হাতে নিয়ে ছেলে পেলে নিয়ে ভবিষ্যতের বাড়ি তৈরি করবার জন্য আমরা এখানে বসবাস করছি। কী করবো, কোনো উপায় নেই। আমার বাড়ির পেছনে 50 ফুটের দূরত্বও নয়, তার মধ্যে ছখানা খাদান করে রেখেছে। আমরা অবজেকশন করেছি, আশেপাশে কয়েকটা ভাইও আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল, ওনারা এসে লাঠি টাঠি নিয়ে তবে ওইখানটা এখন বন্ধ করি। গুজর হলে 10-12 দিন হয়েছে, চলছে আর 4-5 দিন। সিআই সাহেব আসছেন প্রতিদিন সকালবেলায় 9টা থেকে 10টার মধ্যে আসছেন। আজকে সকালবেলায় দেখতে পাইনি, কারণ আমি পিছন সকালবেলায় যাইনি, দিন কয়েক আগেও আমরা দেখেছিলাম যে ওখানে একটা বিশাল ধস নেমেছিল আমার পেছনেই, খুব জোর হলে 200-250 ফুট দূরত্ব হবে। ঠিক, আর সিআই সাহেব এখন কাজ চালাচ্ছে, তবে কতটা কাজ হবে সঠিক আমাদের জানা নেই, কারণ প্রচুর আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। কারণ ওনারা একটা গর্ত খোঁড়ার পর 50 ফুট নিচে যাচ্ছে, 60 ফুট নিচে যাওয়ার পর বিভিন্ন দিকে ওরা একটা করে গ্রুপ কেটে 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 আমাদের ভিতরটা খোকলা করে দিয়েছে বাড়ির। হ্যাঁ, এই যে সব মানুষরা এত কষ্টের পয়সা দিয়ে তারা বাড়ি তৈরি করছে, ই করছে, তারা কিভাবে এখন মানে আতঙ্কে বাস করছে আমরা নিজেরাই জানি না। আমার নাম হচ্ছে রূপর, রূপর চৌধুরী। কোন কিছু নয়, আসানসোল রানীগঞ্জের মানুষ অত্যন্ত আতঙ্কিত, তারা কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কিছুদিন আগে দেখেছি আমরা আমাদের পলাশ পর্যন্ত শুরু করে আমাদের অন্ডাল সারাউন্ডিং এলাকায়, পাণ্ডবেশ্বর সারাউন্ডিং এলাকাতে, কাজড়া, হরিশপুর, এই ঘটনা ঘটছে, লাগাতার ঘটছে। তার একটাই কারণ, যেভাবে জাতীয় সম্পত্তি লুট করছে তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডারা, এখানকার লোহা মাফিয়ারা, কয়লা মাফিয়ারা, বালি প্যাকিং না করে রাতের অন্ধকারে কুয়ো কেটে পড়ে
রাতে এলাকাতে পরে জেসিপি নিয়ে দিনে বেলায় রাত্রে বেলায় 24 ঘন্টা কাজ চলছে। বারবার আমরা পুলিশকে জানিয়েছি, আধিকারিককে জানিয়েছি, দিল্লিকে চিঠি করেছি, কিন্তু মনে রাখবেন যে এখানকার যে সরকার চলছে কেন্দ্র সরকার ঠিকই আমরা বলবেন হয়তো, কিন্তু এখানে সিআইএসএফ তারা একটা সারাউন্ডিং কারখানা দেখেন, বিস্তীর্ণ মাঠ পড়ে আছে, সেই মাঠে কুয়ো কেটে সুড়ঙ্গ করে সে কয়লা কেটে নিচ্ছে, পুলিশ নীরব দর্শক আছে। তার একটাই কারণ, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, এমএলএ, কাউন্সিলর, লোকাল লিডার, পঞ্চায়েত প্রধান সম্পূর্ণ জড়িত আছে। আর আমরা চিঠি করার পর বাবুদা দীর্ঘদিন লড়ছেন, আর সেই কারণে আজকে সিবিআই, ইডি রেড করতে শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই এর যে পুরো বিষয় চলছে সেটা বন্ধ হবে, আর কয়েক মাস পর বাংলা সরকার গঠন করছে বিজেপি, আর সরকার আসার পর পুরোপুরিভাবে কাজ আমরা বন্ধ করব। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष के तौर पर राजीव शुक्ला एक बार फिर से पदभार ग्रहण करेंगे। एजीएम के दौरान इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। आपको बता दूं कि राजीव शुक्ला इससे पहले भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड में उपाध्यक्ष के पद पर मौजूद थे और एक बार फिर से उपाध्यक्ष के तौर पर वह पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर से आपको रानीगंज लिए चलते हैं। रानीगंज में 21 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की एक जनसभा होने जा रही है। इस जनसभा में आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वह वक्ता के तौर पर उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा पश्चिम बंगाल के प्रांतीय अध्यक्ष दिलीप घोष के उपस्थित रहने की इसमें पूरी पूरी संभावना है, और दिलीप घोष और बाबुल सुप्रियो जैसे नेता इस सभा को संबोधित करेंगे विशेष रूप से। इस तरह की जानकारी आज जिला अध्यक्ष लखन घुरुई ने दी, जो पश्चिम बर्धवान जिले के अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज निरीक्षण भी किया और रानीगंज के राजबाड़ी मैदान का उन्होंने निरीक्षण किया, जहाँ जनसभा होना है, और उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत की। বাকি বিধানসভা নির্বাচন, আর নির্বাচনকে সামনে রেখে দিলীপ ঘোষ ইতিমধ্যে সারা বাংলা জুড়ে মানুষের যে ইচ্ছা শক্তি, অর্থাৎ যেভাবে তৃণমূল ছেড়ে, সিপিএম ছেড়ে, কংগ্রেস ছেড়ে হাজার হাজার মানুষ যোগদান করছেন, দিলীপ দার কাছে বারবার গিয়েও তো সময় পাচ্ছিলাম না, এত ব্যস্ততা, সেই কারণে সারা বাংলা জুড়ে ঘুরছেন। আর আমাদের সৌভাগ্য তাকে আমরা পাচ্ছি 21 তারিখে রানিগঞ্জের এই রাজবাড়ির মাঠে এক ঐতিহাসিক জনসভা হবে। বাবুল সুপ্রিয় এবং আমাদের রাজ্য সভাপতি, মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ এখানে আমাদের মিটিংয়ে আসবেন। অধীর আগ্রহে শিল্পাঞ্জ মানুষ অপেক্ষা করছে। এই এই মাঠটাকেই বাছাই করলেন কী কারণে? বাছাই করছে এই কারণেই যে দিদি কদিন আগে এসেছিলেন, ফ্লপ শো করেছেন, দিদির এখানে খুব লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন, মঞ্চময় লোক নেই কেউ, খালি মাঠে খালি হাঁপাচ্ছেন, তাই দেখাবো দিলীপ ঘোষ এলে পরে কী হয় আর দিদি এলে পরে কী হয়, আর সেখানে মাঠটা বেছে নিয়েছি আমরা। জয় শ্রীরাম। बंगाल के कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है। कुल्टी से हमारे संवाददाता वसीम खान ने एक रिपोर्ट भेजी है कि बराकर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार R9 On9 नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसी थीम को लेकर हर जगह जनसभाएं की जा रही हैं, विक्षोभ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज बराकर अंचल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें खास वक्ता के तौर पर मौजूद थे गोरा चंद चैटर्जी, जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। उनकी मौजूदगी में यहाँ यह कार्यक्रम चला और इस कार्यक्रम में और भी कई वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। जामुड़िया से हमारे पास खबर आ रही है। जामुड़िया में हिंदू विकास मंच की तरफ से यहाँ जरूरतमंदों में कंबल बांटे गए। ठंड को देखते हुए हिंदू जागरण मंच की तरफ से यहाँ कंबल बांटे गए। इस मौके पर जागरण मंच के पदाधिकारी खास तौर से मौजूद थे। এর
কোনো ডেটা থাকতে নাকি হিন্দু জাগরণের মঞ্চ থেকে জামুরিয়ায় আমরা গরিব দুস্থ লোকদিকে শীত বস্ত্র কম্বল বিতরণ করলাম এবং এতে আমাদের প্রেরণাদায়ক ছিলেন অমিত সরকার এবং প্রভাত ব্যানার্জি মহাশয় মুখার্জি এবং তাপস সিং। তো আজ আমরা হিন্দু জাগরণের মঞ্চের আজ জামুরিয়ায় কমিটি গঠন হলো এবং সেই কমিটিকে ঘোষণা করা হলো। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা হিন্দু জাগরণ মঞ্চ নানা রকম সহামূলক কাজ এবং হিন্দুদের হিতের জন্য এবং হিন্দুত্ব জাগাবার জন্য আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো যে আমরা হিন্দুত্বকে রক্ষা করার জন্য এবং রাষ্ট্রীয় মুক্তি যাতে সমস্ত মানুষের ভিতরে হয় তার জন্য আমরা দায়বদ্ধ থাকব। আপনার পরিচয়? সুব্রত ঘোষাল, জামুরিয়া, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সভাপতি। जब आपकी उम्र हो जाती है, आप जीवन संध्या में पहुंच जाते हैं, आप बुजुर्ग हो जाते हैं, तब अगर आपको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है तो एक टीस भी रहती है दिल में, एक दर्द भी रहता है। हालांकि आपको आपके साथी मिल जाते हैं, आपकी उम्र के बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन इसके बीच भी एक टीस सी रहती है दिल में। इसे देखते हुए खास बात इंडिया की टीम आज पहुँचती है वृद्धाश्रम में, जो आसनसोल के ढाकेश्वरी में स्थित है। ढाकेश्वरी स्थित वृद्धाश्रम में पहुंचकर यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के वृद्धों के साथ खास बात ग्रुप की टीम ने यहाँ पे अपना टाइम बिताया, अपना वक्त गुजारा और उनके लिए जो उपहार ले जाया गया था उन उपहारों से उन्हें नवाजा गया और घंटों उनके साथ वक्त गुजारा गया। कुछ खास दृश्य हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है आपको? मतलब आपको है ना आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये इंटरनल बात। हाँ नहीं, आप बोल सकते हैं, हम लोग प्रेस के भी हैं। मैं खाली दुखी हूँ दो पोती के लिए। अच्छा। इसका अलावा मुझे कोई तकलीफ नहीं यहाँ पर। आराम नहीं आराम? मतलब दो पोती हैं आप? दो पोती कहाँ रहती है? धनबाद में? धनबाद में। तो उनसे फोन से तो बात होती होगी? इस विषय में बात करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा ठीक है, कभी आराम से। हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का दर्द, हम समझ सकते हैं। हम लोग भी उस स्टेज पे पहुँचे। मैं एट ए होम होम मैं बताइए, आराम हूँ यहाँ पर, कोई तकलीफ नहीं। व्हाट इज नेम? संजय सिन्हा मेरा नाम है, मैं पत्रकार हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं बेसिकली बिहार से, लेकिन यहाँ बिहार रहता हूँ आसनसोल में। अच्छा, मैं पटना का, पटना मेरा जन्म, लेकिन यहीं रह गया, बंगाल में ही। मैं दिल्ली में था, दिल्ली में मैंने मास कम्युनिकेशन किया, नोएडा में मैं रहता था, वहाँ से फिर यहाँ आ गया, मेरे फादर ने यहाँ बुला लिया, तो यहीं रहता हूँ फिलहाल। तो आप लोगों से मिलने की बड़ी इच्छा होती है? बहुत अच्छा। नहीं नहीं, बस बहुत खुश हूँ हम मिलकर। नहीं, अच्छा लगा आप लोगों के बीच थोड़ा स्पेंड करके टाइम, अच्छा लगता है। और क्या है, देखिए हम लोग भी उस स्टेज पे पहुँचेंगे। यहाँ कोई तकलीफ नहीं, यहाँ आराम ही आराम है। यहाँ पर जो हूँ यहाँ आराम ही आराम है, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है ना। ऐसे देखभाल करने के लिए भी आदमी है। हाँ, सारे लोग तो ऐसे हैं और अपने लोग मिलने आते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे थे कि खास बात ग्रुप की टीम पहुंच जाती है ढाकेश्वरी स्थित वृद्धाश्रम में और यहाँ वक्त गुजारती है यहाँ के बुजुर्गों के साथ, यहाँ के वृद्धाओं के साथ, और उनके दर्द को जानने की कोशिश भी करती है। और आप विस्तार से देख सकते हैं हमारे खास बात इंडिया के पेज पर, जिसे लाइव किया गया है, आप लाइव देख सकते हैं, हमारा लाइव इस पेज पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयान किया है, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के जो है जो यहाँ रहने वाले बुजुर्ग हैं, जो यहाँ वृद्ध हैं, उन्होंने अपना दर्द भी बयान किया है और खास बात इंडिया की तरफ से उनके दर्द को जानने की कोशिश भी की गई और खास बात एनजीओ के तमाम पदाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत और हमें दीजिए विदा, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं, हमें इंतजार रहता है आपकी प्रतिक्रियाओं का। नमस्कार।